शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ नसबंदी शिविर में ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई। दरअसल जिले के पोहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को महिला नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 महिलाओं की नसबंदी ऑपरेशन जिला अस्पताल से आए सर्जन डॉक्टर पीके खरे द्वारा की गई। इस दौरान नसबंदी शिविर में ऑपरेशन के बाद एक महिला की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद महिला को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल शिवपुरी रेफर किया गया, लेकिन महिला ने रास्ते में दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार शल्या पत्नी सुमन आदिवासी उम्र 26 साल निवासी डांगबरवे थाना पोहरी शनिवार को पोहरी स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी ऑपरेशन कराने गई थी। तभी ऑपरेशन के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसे शिवपुरी रेफर कर दिया। वहीं रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। मृतिका की ननंद ने बताया कि नसबंदी के ऑपरेशन से पहले महिला पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन ऑपरेशन के तुरंत बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद डॉक्टर ने उसे शिवपुरी रेफर कर दिया, लेकिन महिला ने रास्ते में दम तोड़ दिया। नाम है आपका? कमलेश। कौन से गांव की हो? मैं डांगरवे की है। जितने जो खत्म हो गई महिला, वो कौन है? हमारी भाभी है। क्या नाम है उसका? कौशल्या। कौशल्या कैसे खत्म हो गई? ऑपरेशन को आई। कहीं का ऑपरेशन? नसबंदी। नसबंदी का कहाँ पे आई थी? पोहरी। पोहरी में तो क्या हुआ था? नसबंदी करा के और फिर घबराहटे आ लगा। हाँ तो फिर डॉक्टरों ने देखी क्या? वहाँ देखी, हम गए में जाके दर्द हो रहा है। देखी सुई बस बिन नो के दाई के जाए सीपरी ले जाओ। क्यों? अब ये भगवान जाने मोड़े से बोल लगा दो ऑक्सीजन। हाँ है ओके, जब सीपरी ले जाओ रेफर करते। अच्छा तो मतलब जो बांसे है ना, जब ऑपरेशन थिएटर में से निकाली थी इनको नसबंदी करने के बाद, फिर क्या मतलब वैसे ही डाल दी थी या क्या किया था? पलंग पे डली थी। तो फिर कोई ना नर्स वर्स ने देखी वहाँ पे? जैसे घबराहट होने लगी थी या वहाँ से आने के बाद नर्स वर्स ने देखी कि नहीं देखी? यहीं डाली थी। देखी। कब देखी? वो चिल्ला लगी सोई लाए हम बुला के। अच्छा वहाँ से पहले नहीं आया कोई? तुम बुला? ऑपरेशन चालू हो रहा है। अच्छा ऑपरेशन चालू थे और जब ये चिल्ला रही थी तो कोई नहीं आया, और जब तुम बुलाने गई तब आई? हाँ तब आई है ना, पहले कोई नहीं आया, चिल्लाती रही है ना, दर्द से चिल्लाती रही है। हाँ तो अभी हम नौ के हैं भैया, जब चिल्ला रही है बगल की पलंग भाई नौ के यहाँ के बहनाओ गो दर्द हो रहा है बाके, मत बोलो तुम जा से मत बोलो। अच्छा तो नर्स मर्स कोई नहीं सुन रही थी बिल्कुल? हाँ फिर गए बुलावे तब यहाँ। बुलावे गए तब आएंगे है ना। अच्छा डॉक्टर वाक्टर ने कहीं डॉक्टर ने भी नहीं देखा था जब दर्द वर्द हो रहा था? हाँ डॉक्टर नहीं तो खड़े हम जाओ को। अच्छा बाद में जब तुम बुला लाई नर्स बुला लाई और फिर नर्स ने डॉक्टर बुला हो के बाद आई जी है ना। अच्छा एक बात बताओ, गांव से जब जो कौशल्य आई थी तो इसको कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता या कोई नर्स कौन लेके आया था? भैया नर्स तो नहीं, वो नहीं है आंगनवाड़ी बाड़ी नहीं आई। अच्छा तुम आई थी गांव से इनके संग में कौशल्या के साथ में गांव से? कौशल्या के एक और मोड़ी आई थी, बाकी मैं आई के नहीं ते वो आई जाके से। अच्छा और हमें आए सासरे से फोर। अच्छा डायरेक्ट सासरे से आए हो? हाँ हम तो सासरे से फोर जाए। और इसके संग में कोई नहीं आया है ना? और आंगनबाड़ी वाली आई नहीं है? आंगनबाड़ी वाली आशा कार्यकर्ता का नाम क्या है आपको बताओ? नहीं जानते लाला। अच्छा अस्पताल से कोई आया है तुम्हारे संग में यहाँ पे? अस्पताल से कोई आया है संग में यहाँ पे? पोहरी पोहरी के अस्पताल से कोई संग में आया है अस्पताल वाला स्टाफ? कोई नहीं आया मतलब? कोई अस्पताल का कोई नहीं आया ना तुम्हारे संग में?